I bet you know which metro station this is, Rajiv Chowk. And if you're a Delhiite, then I'm sure CP is one of your favorite places to go. या फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता तो सीपी चले जाते हैं. तो आज मैं ले जाने वाली हूँ आपको अपने साथ माय फेवरेट प्लेस इन सीपी. तो आप में से कितने लोग हैं जो सीपी बहुत बार जा चुके हैं लेकिन रस्तों का अभी भी कोई आइडिया नहीं है? मैं भी उनमें से एक हूँ. ऑल्सो धूप बहुत है तो संभाल के. सो गूगल मैप की हेल्प से ढूंढते ढूंढते हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं. सो दिस इज माई फेवरेट प्लेस, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर. येस, इट्स अ बुक स्टोर विच हैज़ एन अटैच्ड कैफे इन इट. एंड आई विल टेल यू व्हाई दिस प्लेस इज माई फेवरेट प्लेस बुक स्टोर होने के बाद भी. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. मतलब जैसे ही आप इस जगह पे एंटर करेंगे, इस जगह की वाइब्स इतनी ऑसम है कि ना चाहते हुए वी विल स्टार्ट लविंग दिस प्लेस. सो हेयर वी गो, दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस प्लेस. यहाँ पे इन्होंने इतनी प्रिटी सी डेकोरेशन कर रखी है इस ट्री पे. एंड दिस डेकोरेशन कीप्स चेंजिंग. मतलब अगर आप क्रिसमस पे आएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल क्रिसमसी सी वाइब्स होंगी. एंड जितनी बार आप यहाँ पे आएंगे ना, यू विल सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेकोरेशन है, यू विल गेट अ डिफरेंट वाइब. एंड यहाँ पे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस या जो भी उन्हें मैसेजेस लिखने हैं वो पेपर में लिख के इन्हें इस ट्री में टांग रखे हैं. एंड मैंने भी एक मैसेज लिखा है लास्ट में. सो वीडियो को लास्ट तक देखिए कि मैंने क्या मैसेज लिखा है. एंड अब हम जो मेन बुक स्टोर है, मतलब वहाँ पे एंटर करेंगे. सो दिस इज़ हाउ इट लुक. द ह्यूज प्लेस, वहाँ पे इतनी सारी बुक्स हैं दैट इवन इफ यू डोंट लाइक रीडिंग बुक्स, आप फिर भी एक बार मतलब इस जगह पे आके सर्च एंड ईजिली वहाँ पे यू विल स्पेंड 1 to 1.5 hours विदाउट नोइंग. मतलब आप चलते जाओ एंड यू विल सी डिफरेंट जॉनर्स ऑफ बुक एवरीवेयर. एंड मतलब इतनी इंटरेस्टिंग सी जगह है यहाँ पे. ऑल्सो दिस इज टिपिकल मी, बट इफ यू वॉन्ट टू नो वाई मेन लाई एंड वेमेन क्राई देन डू फाइंड आउट. ऑल्सो यहाँ पे देर आर सम ओरिजिनल कॉपीज दैट आर साइंड बाई द ऑथर्स देम सेल्व्स. सो यहाँ पे ये कलेक्शन भी मिल जाएगा. बुक्स के अलावा वहाँ पे ऐसी क्यूट क्यूट सी डेकोरेटिव आइटम्स भी हैं जो कि कैन गिफ्टेड टू समबडी. एंड बहुत ही प्यारी प्यारी सी स्टेशनरी भी हैं. एंड बैकग्राउंड में ना इस जगह पे बहुत ही अच्छे गाने बजते हैं. मतलब दे आई थिंक दे हैव अ ग्रेट प्लेलिस्ट. एंड वो मैं डाल नहीं सकती ऑब्वियसली बिकॉज कॉपीराइट आ जाएगा. एंड दिस इज़ द कैफे दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. बिल्कुल अटैच्ड है. एंड दिस प्लेस हैज़ सो मैनी डिफरेंट वराइटीज ऑफ चाय. सो बेसिकली दिस इज चा बार दैट हैज सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ चाय. मतलब इफ यू आर अ चाय लवर देन डू विजिट दिस प्लेस. एंड मैंने तो अपने लिए ऑर्डर किया था व्हाइट सॉस पास्ता और वनीला शेक. एंड द शेक वॉज गुड, द पास्ता वॉज ओके. मतलब आप मेरे एक्सप्रेशन से तो नहीं बता पाएंगे, बट येस इट वॉज ओके. मैं भी अपना एक मैसेज वहाँ पे लिख के गई, उस ट्री पे टांग के गई. तो अगर आप कभी भी उस जगह पे जाते हैं एंड आपको मेरा मैसेज दिखता है, बिकॉज आई गेस दे कीप ऑन चेंजिंग दोज मैसेजेस, बट अगर मेरा मैसेज अभी भी वहीं पे टंगा हुआ है तो मुझे फ़ोटो खींच के भेजिएगा. एंड आप वहाँ जा रहे हैं एंड यू आर अ यूट्यूबर तो अपना प्रमोशन करना तो बनता है. तो भाई मैं तो लिख के आई थी कि सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर आप लोग देख रहे हैं और आपने नहीं किया तो सबसे पहले तो आप ही कर दीजिए. सो ये रहा मेरा मैसेज और अब मैं इसको यहाँ पे टांग रही हूँ. तो आप लोग देखिएगा कि वहाँ पे वो मैसेज अभी भी है या नहीं. सो दिस इज द मैसेज एंड दिस इज मी. आपको ये वीडियो और जगह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड बाय बाय.